जिसके पिछले क्लास में हमने परागण, निषेचन और फूल से सारे जानकारी प्राप्त कर लिया था कि फूल कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, परागण, स्वपरागण सारे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम फल के बारे में जानेंगे, सतफल क्या है, सतफल क्या है, अनिषेच फल क्या है, मांसल फल क्या है, सूखा फल क्या है, मेवा क्या होता है, इन सारे बात को जानेंगे। फल के पूरा जानकारी, अगर फल के बारे में पूरा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा तो इसको घूमेंगे पोमोलॉजी, यानी पोमोलॉजी कराता है। पोमोलॉजी का होता है फलों का अध्ययन, फल का जो निर्माण होता है। तो पिछला अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पराग कोष से परागकण आता है प्रतिपाक से होते हुए अंडाशय में, तो अंडाशय में जब ये निषेचन हो जाता है तो निषेचन के फलस्वरूप फल का निर्माण होता है। तो फल का किसको कहेंगे, तो परिपक्व अंडाणु को फल कहा जाता है, जो पूर्णतः रूप से पक जाता है, यानी पकने के बाद जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं फल, यानी परिपक्व अंडाणु फल कहलाते हैं। परिपक्व अंडाणु यानी यहाँ से परागकण को यहाँ वर्टिकाव तक पहुंचने को परागकण की क्रिया बोलते हैं, और यहाँ तक जहाँ अंडाशय तक पहुंच जाता है उसको निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। इसके वीडियो में मैंने इसलिए बताया था, तो इसका यहाँ से नीचे निषेचन होता है, तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है फल। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण अंडाशय में होता है, जहाँ अंडाशय यानी ओवरी में होता है। लेकिन फल का जो मुख्य कार्य होता है बीजों को सुरक्षा देना, जो बीज है ये बीज को सुरक्षा देता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये वाला चलता रहे। मैंने अनुवंशिकी के में पढ़ाऊंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जलते रहना, यानी चलते रहना। तो फल का मुख्य काम क्या है, तो फल का मुख्य काम है बीजों को सुरक्षा देना ताकि आगे की प्रजाति बरकरार रहे। मैंने आज एक बीज उसको खा ले तो अगली प्रजाति नहीं हो पाएगी, तो इसको बचा के रखे, यानी फल के होता है। तो फल का जो पहिका होता है ये कैसे होता है फल, ये मैंने बता भी दिया। अगर से फल का प्रकार में आप सबसे पहले जानेंगे निषेचन के आधार पे, निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है मेरे साथ फल, सात फल यानी ट्रू बोलते हैं, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट यानी ये अंडाशय में होता है। जब क्या होता है पराग कोष यहाँ से आ गया और यहाँ तक आया तो परागकण, और लेकिन यहाँ से निषेचन हो गया, तो निषेचन होने के बाद अंडाशय में बनता है, अंडाशय में बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फल या सत फल। जैसे आप देखोगे क्या जामुन, जामुन देखे ना, तो जामुन यहाँ पे देखिए, तो जामुन जो होता है तो उसका एकदम डंडी ऊपर रहता है। जैसे देखोगे आम, तो आम का सबसे ऊपर में डंडी रहता है, ऐसे ऊपर में डंडी रहता है, जैसे यहाँ ऊपर में डंडी है। तो इस तरीका से जो होता है इसको सत फल बोलते हैं। सत फल का जो कहा बनता है तो अंडाशय में पूछेगा आपसे कि सत फल कहा बनता है, अंडाशय में, जब पराग कोष यहाँ से वर्तिका से होते हैं, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय में चूर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वहां पे बनने वाले फल को हम लोग ट्रू फल बोलते हैं, सत फल बोलते हैं। दूसरा जो होता है असत फल यानी फॉल्स फल यानी झूठा फल, झूठा 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 फल बोल रहे हैं, झूठा ना कि झूठा, झूठा मत समझिएगा, झूठा फल बोलते हैं। ये कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी यहाँ से पराग कोष आया और यहाँ पे जैसे अंडाशय में आया, अंडाशय में कभी कभी क्या होता है कि फट गया, यानी कमजोरों के नीचे गिर गया, यानी तो इसका विनाश हो गया। तो विनाश होने के बाद ये वाला जो पराग कोष है यहाँ काला वाला काला बिंदु यहाँ पे आ गया, यानी आ गया पुष्पासन पे, यानी पुष्प के आसन पे जहाँ पे आ जाता है, इसको बोलते हैं झूठा फल यानी असत फल। मानी इसका जो अंडाशय, अंडाशय ही फट जाता है, फट के नीचे आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं असत फल यानी झूठा फल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखोगे सेब, सेब देखे ना, सेब देखिए से अंदर के धंसा रहता है, धंसल। अब सेब यहाँ पे देखेंगे तो सेब देखिए ये झूठा फल का एग्जाम्पल, उसमें था जाता है ये पुष्पासन पे जाके कर लेता है। लेकिन ये तो मान लीजिए देखिए यहाँ से आया यहाँ तक ये फट गया तो यहाँ पुष्पासन पे, लेकिन कभी कभी फूल ये सीधा है, फूल पे उलट जाए, फुलवा उलट जाए तब कैसे होगा, तो कभी कभी कहते हैं फुलवा उलट गया, यहाँ वाला जो अंडाशय है ये अंडाशय आ गया वर्टिकाग पे, कहाँ गया वर्टिकाग पे, और यहाँ से परागकण को खाली वर्टिकाग तक यहाँ आ गया, यानी एक ही क्रिया में परागकण भी हो गया निषेचन भी हो गया, परागकण भी हो गया निषेचन भी हो गया। जब फूल उलट गया, जब फूल उलट गया और जब यहाँ पे जब एक ही बार में परागकण और निषेचन दोनों हो जाता है, इसको बोलते हैं अनिषेच फल यानी अनिषेच फल, यानी ये कहाँ होता है वर्टिकाग में होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप केला में देखेंगे, केला में देखेंगे तो केला का जो फूल होता है, जहाँ पे केला देखेंगे तो जो उलट होता है उसमें फूल में जो अंडाशय का जो रहता है, अंडाशय आ जाता है वर्टिकाग के पास और यहाँ से परागकण जाता है, यहाँ पे आ जाता है और दोनों निषेचन कर लेता है, निषेचन के बाद में फल बनाता है जिसको अनिषेच फल कहा जाता है। अब हम इसके जानेंगे निर्माण के हिसाब से फल कितने प्रकार के होते हैं। इसे पिछले बार में अभी मैंने जस्ट बताया, अभी ये बताया थे किसके आधार पे, निषेचन के आधार पे, अब जानेंगे हम लोग निर्माण के आधार पे। तो निर्माण के आधार पे पहला होता है सरल फल, सरल फल किसको बोलते हैं, तो एक फूल से एक ही फल बनता है उसको सरल फल बोला जाता है, एक फूल एक फल, एक फूल एक फल इसको सरल फल बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिएगा आम, आम देखेंगे तो उसमें एक फूल लगता है एक फल लगता है, जैसे जामुन एक फूल एक फल लगता है, मानी एक फूल रहेगा उस एक ही फल बनता है उसको सरल फल ही बोला जाता है। उसके बाद आता है समूह फल, समूह फल किसे बोला जाता है, एक फूल से कई फल बन जाते हैं, एक फूल से
कई फल बन जाएंगे उसको बोलेंगे समूह फल। जैसे आपका इसका एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहला क्या स्ट्रॉबेरी देखें, स्ट्रॉबेरी लाल लाल के खाते हैं लड़की सब, तो उसका स्ट्रॉबेरी फल आपका एकदम चुम चुम के खाता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी फिल्म चाहिए, बाप रे बाप, स्ट्रॉबेरी फिल्म करके उसको खूब खाता है। उसी तरीका से आप देखेंगे मक्को, मक्को तो खाएंगे तो मक्को एक फूल से कई वो फल बन जाता है। आप स्कूल में कई बार एक रुआ वाला उड़ते रहे होंगे, तो उसमें कई एक ही वो से कई वो उड़ते रहता है, कई उड़ते रहता है, देखा कि नहीं, एक फूल से कई फल बन जाता है, उसको बोलते हैं समूह फल। उसके बाद आ जाता है संघातिक फल। संघातिक फल क्या बोलते हैं, जब फल के निर्माण में अंडाशय भी भाग लेने लगे, अंडाशय भी भाग लेने लगता है, और इसका बाद गर्भपुंज भी भाग लेने लगता है, ये गर्भपुंज भी भाग लेने लगता है, तो ऐसे फल को संघातिक फल बोला जाता है। मतलब दोनों का होता है सड़ जाता है और सड़ के दोनों मोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं संघातिक फल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे कटहल, तो कटहल में देखेंगे इसका अंडाशय भी रहता है, इसका क्या रहता है गर्भपुंज भी रहता है, दोनों चिपक जाता है तो संघातिक फल बन जाता है। उसी तरीके से नाशपाती देखेंगे, एक दोनों जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद एक मोटा आवरण बना रहता है, ऐसे फल को संघातिक फल बोला जाता है। निर्माण के हिसाब से सरल फल, समूह फल, संघातिक फल, एक फूल एक फल सरल, एक फूल से अनेक फल, समूह असंघातिक में अंडाशय और गर्भपुंज दोनों मिल के बनाता है, जो मोटा आवरण बनाता है उसको बोलते हैं संघातिक फल। अब इसके साथ आते हैं एपिकार्प के हिसाब से भी फल तीन प्रकार के होते हैं, और कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, जस्ट अभी इस वीडियो में ही देख पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रूट के पेरिकार्प के हिसाब से, यानी फल भित्ति के हिसाब से फल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला में होता है एपिकार्प। एपिकार्प किसको बोलते हैं, बादल। कब जब भी कभी आप देखे हो घर में आम लाए होंगे, जैसे आम आप देखे होंगे, तो आम में जब एक छिलका उतारिएगा तो आदमी छिलका को भी चूस जाता है, लेकिन उसको खखोर के खाता है, जो खखोर के खाते है बाहरी वाला को बोलते हैं एपिकार्प, यानी बाद फल, यानी बाहरी वाला को जब खखोरते हैं ना, खखोर एक छिलका उतार के खखोर के खाते हैं, इसको बोलते हैं एपिकार्प। लेकिन कोई कोई इसके बाद भी आम में देखिएगा, बच्चा लोग पहला गुद्दा उतरने वाला नहीं चाहता है, गुठली लेना पसंद करता है, ज्यादा गुठलिया को लेकर देर तक उसको चूसते रहता है, इसलिए लोग गुठली लेना पसंद करता है। तो बाय में जब छिलका उतार के खाते हैं उसको बोलते हैं एपिकार्प, और जो बीच में जो गुद्दा वाला पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं मीसोकार्प, यानी मांस कबाब होता है और गुद्देदार होता है, और बीच में एकदम देखिएगा यानी एंडोकार्प में एक रहता है बीज, क्या रहता है बीज, जिसमें ये तीनों बीज है इसको पेरिकार्प कहा जाता है, इसको फ्रेंटी फूल यानी मांसल फल कहा जाता है, जिसमें बाह्य मार्ग और आंतरिक तीनों अच्छा तरीका से दिख जाए इसको आप बोलेंगे मांसल फल। कौन सा फल, मांसल फल, जैसे आप देखेंगे अदरवाइज, और जैसे इसके अलावा आप देखेंगे लीची, तो लीची में छिलका भी दिख जाएगा, बीच वाला भी दिख जाएगा और आपको बीज भी दिख जाता है, तो ऐसे वाले फल को हम लोग मांसल फल बोलते हैं, यानी फ्रेंटी फल बोलते हैं, यानी फ्रेंटी फ्रूट। और उसके बाद ऐसा फल जो सूखने के बाद ना तो बाह दिखे ना तो मर दिखे ना आंतरिक दिखे, सब दमोरा में सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद जो मिलता है उसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, यानी मेवा बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे छुहाड़ा, क्या छुहाड़ा में सब सड़ जाता है, सब सड़ जाता है, बीवा दिखा देता है। आप किशमिश में देखिएगा तो ना तो बीवो नहीं दिखाई देता, तो खत्म कुछ ना, ना उसके मध का भाग ना आंतरिक भाग ना भीतरी भाग कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसको मेवा बोला जाता है। तो मेवा किसको बोलते हैं, सूखे फल को मेवा बोला जाता है, जो सूख जाता है फल उसको मेवा कहेंगे, सूखे फल को मेवा कहा जाता है। और जिसमें बाह्य मध और आंतरिक तीनों दिख जाए उसे पेरिकार्प कहते हैं, तो फल के हिसाब से यही होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, पहले तो बता दिए फूल बता दिया, अब इसके आगे का जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे अगले टॉपिक में, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे, और फल से आगे का टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद।